नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दल बदलू नेताओं पर साधा निशाना। उत्तर गुजरात में अपने गढ़ मेहसाणा पहुंचते ही पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कांग्रेस में भाजपा में आए नेताओं को मौका प्रस्त बताते हुए कहा कि सत्ता का लाभ लेने व समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसे नेता दल बदल कर आए हैं। उन्होंने पार्टी को ऐसे नेताओं को लेकर सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि जहां रामायण हो वहां मंथरा व विभीषण भी होते हैं। हालांकि उनके यह सब आरोप इशारों में ही थे। उनका कहना है कि राजनीति में आया राम गया राम की परंपरा है, लेकिन पार्टी आलाकमान को अपने समर्पित कार्यकर्ताओं का खास ध्यान रखना चाहिए। लाखों कार्यकर्ता पार्टी के लिए सालों से सब कुछ सहते हुए भी काम कर रहे हैं, उनको महत्व मिलना चाहिए तथा पद भी। बाहर से आने वाले लोग अपना काम होते ही पार्टी बदल लेंगे, इसीलिए ऐसे नेताओं पर आलाकमान भरोसा नहीं करेंगे। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें पूर्व की सरकार के एक भी मंत्री को जगह नहीं मिली, जबकि कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने वाले तीन विधायक राघव जी पटेल, ब्रजेश मेरजा तथा जीतू भाई चौधरी सरकार में मंत्री पद पाने में सफल रहे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।